38,712 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, स्टूडेंट्स के लिए 75 किलोमीटर की फ्री यात्रा, प्रतियोगी परीक्षाओं को निशुल्क कराने का ऐलान। लेकिन राजस्थान सरकार का ये महज ढकोसला है, क्योंकि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का सच डरावना है। और सच ये है कि यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भ्रष्टाचार करके बच्चों के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ऐसी साजिशों का पर्दाफाश होना जरूरी है, तो चलिए बताते हैं आपको राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का सच, जिसे जानकर उड़ जाएंगे सभी के होश। राजस्थान के जिला नागौर के नौनिहाल हद से ज्यादा मजबूर है। क्योंकि इन बच्चों को क्लास छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है और पढ़ाई के वक्त कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना हक मांगना पड़ रहा है। सोचिए, जिस राज्य में सरकार करोड़ों का शिक्षा बजट दिखाकर दम भरती है, वहीं के एक जिले का ये हाल है कि बच्चों को कहना पड़ रहा है कि शिक्षा उनका अधिकार है, भीख नहीं। लेकिन कौन सुनता है? यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस नेता है बीडी कला जी को, उनको हमने डाक द्वारा रजिस्ट्री करवाई है। जायदा खान जी को रजिस्ट्री दी है डाक द्वारा, और ACB में हमने डाक द्वारा भेजा है, और मैं खुद व्यक्तिगत देख के आया हूँ, और कलेक्टर साहब को भी दे दिया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। लेकिन इस संदर्भ में अभी हमारे पास एक बार जो जांच बैठाई गई थी, वो लोकल टीचर की जांच बैठी थी, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं है, वो जो हकीकत है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखी। हाँ जी, हनुमान जी बेनीवाल को भी दिया है, हमारे विधायक मोहन राम जी चौधरी को दिया है, कलेक्टर महोदय को दिया है, हमारे अशोक जी गहलोत साहब इनको भी दिया है, और कई नेताओं को हमने दिया है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है, लेकिन सर किसी का भी हमारे पास जवाब नहीं आया। सुन लिया आपने, यहाँ बच्चों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ना सांसद हनुमान बेनीवाल, बस सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। बता दें कि नागौर जिले के सेठ मेघराज बोथरा एवं सेठ बाणक चंद बोथरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव पर कंप्यूटर लैब में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, और ऐसे ही कई स्कूल और हैं नागौर में जिन पर इसी तरीके के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नागौर जिले के अंदर 32 करोड़ का टेंडर था, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया और लैब में सस्ती चीजें लगा दी गई और पैसा ब्रांडेड सामानों का दिखाया गया। ये सर नागौर जिले के अंदर इन्होंने 32 करोड़ का टेंडर था, जिसमें इन्होंने नहीं करते हुए 4 करोड़ का माल दिया होगा, बाकी पूरा का पूरा घोटाला। ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आपको LED देखनी है, देखिएगा कि जो LED दी है उस के कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है 6,000 रुपये की कम, और वो LED जो है 500 से ऊपर की नहीं है, जो दिल्ली में बिकती है लोकल ब्रांड, वो चीज़ है इन्होंने दी है। स्पीकर दिए हैं जो 20 रुपये के स्पीकर हैं, ये आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, पूछ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, मैं आपको एक एक चीज़ इसका प्रूफ दूंगा। यानी शिक्षा के नाम पर राजस्थान में भ्रष्टाचारी करोड़ों रुपए डकार गए और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि शिक्षा बजट क्या इसी भ्रष्टाचार के लिए है, सवाल है नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से, जो छात्रों और युवाओं के नाम पर वोट मांगते मांगते विधायक से सांसद बन गए, लेकिन उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया, तो आखिर क्या मजबूरी रही? सर हो सकता नहीं है, 100% है, मैं ये खुद अपनी जबान से कह रहा हूँ, ये 100% है। अधिकारी से कुछ बात करते हैं, मैं व्यक्तिगत अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा, कई अधिकारी कहते हैं हमें कुछ भेजना पड़ता है हिस्सा, किस लिए भेजना पड़ता है? बच्चों का हिस्सा आप क्यों भेजेंगे? नेताओं को भेजना पड़ता है, फिर हमें नेता हमें वापस लॉलीपॉप देते हैं कि हमें राशन दे दिया, वो दे दिया, हमारे पैसों से आप हमें दे रहे हो, तो सर नेता यहीं से कुछ खा रहे हैं ना, ये तो सभी को पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको खुला बोलता हूँ, इसमें नेताओं की मिलीभगत है। तो आपको, आप खुलेआम बोल रहे हैं, ऐसे नेताओं से आपको डर नहीं लगता? नहीं सर, मैं बच्चों के लिए मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए नहीं उठा रहा हूँ, मुझे क्या डर है? अगर सच हूँ तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, बाकी मेरी चाहे जांच बैठाए चाहे कुछ भी बैठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं किसी पार्टी के पक्ष का नहीं हूँ, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, मुझे कोई लेना देना नहीं।
भ्रष्टाचार की ये कहानी राजस्थान के नागौर के कई स्कूलों की है, लेकिन नेता अधिकारी सब खामोश बैठे हैं। स्कूल के द्वार पर लिखा है आदर्श शिक्षा उज्जवल भविष्य, मगर जब आदर्श भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा हो तो भविष्य भला कैसे उज्जवल होगा? ये राजस्थान के हुक्मरानों को सोचना होगा और बच्चों को उज्जवल भविष्य देने की कोशिश करनी होगी। ये जो स्कूल हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा इनको सरकार को दी हुई है, जिस टाइम आज़ादी से पहले की स्कूल हमने बना के दी थी, आज उस स्कूल में छोटी से बड़ी चीज़ें जो है हम उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जब हमारे को लैब के बारे में समसा विभाग द्वारा हमें बताया गया कि 25% द्वारा आपके हिस्से से देना है भामाशाह और 75% गवर्नमेंट, ये स्कीम बताई थी, तो हमने उस आधार पे 25% समसा विभाग को दिए। तो जब टेंडर हमको बताया कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर आएंगे, टॉप 5 ब्रांड के कंप्यूटर देंगे और अच्छी लैब क्वालिटी देंगे, तो जब ये कंप्यूटर आए तब हमें पता लगा कि ये कंप्यूटर तो मेड इन चाइना के हैं पूरे, और जो पुराने वर्जन के कंप्यूटर है वो हमें दिए गए। तब हमने इसके बारे में अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला भैया जो टेंडर में है वही चीज़ है। फिर हमने टेंडर की कॉपी मांगी तो शिक्षा विभाग ने हमें अवेलेबल नहीं करवाई, और कुछ अधिकारियों द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। तो हमने इसके संदर्भ में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है, लेकिन उसकी हमें आज तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है। हमने SEB में भी कार्रवाई की है, उसमें का भी कोई जवाब नहीं है। अब रही बात इस जो टेंडर के मुताबिक अगर बताया जाए कि हमें जो कंप्यूटर मिलने थे उसके अंदर एक तो प्रोजेक्टर वो पूरा का पूरा नहीं है, CPU नहीं है, और वाईफाई के संबंध कुछ नहीं है, फर्नीचर के सारे बिल्कुल दिया नहीं है, जो एकदम गंदा माल दिया है। तीसरी बात ये आती है कि स्कूल लैब में जो 75% सरकार द्वारा वहन करना था और 25% यानी कि 75,750 रुपये हमने भामाशाह द्वारा दिया प्रति कंप्यूटर, प्रति लैब, प्रति लैब, हाँ जी, प्रति लैब से क्या मतलब है? एक लैब में 10 कंप्यूटर, ठीक, और जिसमें टोटल 10-12 आइटम सामान दिए जाते हैं, उन्होंने 8 सामान दिए और बाकी के सामान इन्होंने नहीं दिए। वो अभी आपने बताया कि आपको लिखित में बताया था कि अच्छे क्वालिटी के और अच्छे ब्रांड के, हाँ जी, तो वो लिखित में था? लिखित में था। वो आपका डॉक्यूमेंट है? वो हमारे पास नहीं है सर, हमने उनसे लिया नहीं था, उन्होंने हमें दिया नहीं। हम तो हाँ, हमें पास में हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है बालवा, वहाँ पे इतनी अच्छी लैब लगी हुई है, तो हमें उस लैब को देख के हमने वो लैब के लिए हमने पैसा दिया है। जब वहाँ अच्छी लैब लग सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं लग सकती? इन्होंने 1071 स्कूलों में घटिया क्वालिटी की लैब लगाई है, और बाकी जो स्कूलों में पहले लैब लगी थी वो अच्छी लैब लगी हुई है, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, टेंडर की कुछ कॉपियाँ हैं हमारे पास। इन्होंने जो जितना हो सकता है ना उससे मैं भ्रष्टाचार पूरा का पूरा पैसा गबन किए। क्या ये जैसे एक स्कूल ये हम आप देख रहे हैं, हाँ, आपके पूर्वजों द्वारा बनाया, हाँ, गया है, ऐसे आपने बाकी 1000 स्कूलों में, हाँ, देखा है? हमने कई स्कूल 1071 तो नहीं देखा है, कई स्कूलों में हमें देखा है और कई स्कूलों की हमारे पास रिपोर्ट है। जैसे कि यहाँ से 2 किलोमीटर गाँव है, 2-3 किलोमीटर सिंगड़ गाँव है, कुछ बदवासी है, डक्कोसी गाँव है, नागौर की सेठ किशन लाल कांकरिया स्कूल है, वहाँ पर भी यही लैब लगी हुई है, और परबसर चले जाइए, कुचामन चले जाइए, यही लैब लगी हुई मेड इन चाइना ब्रांड के कंप्यूटर, कोई भी मतलब ब्रांड नहीं लिखा है उसमें, कोई ब्रांड नहीं है, जबकि इन्होंने वाकायदा टेंडर में ये कहा गया है टॉप 5 कंपनी के ब्रांड लगेंगे। INP नाम के जो इन्होंने कंप्यूटर लगाए वो टॉप 100 में ही नहीं है, और सरकार ने ये कहा गया कि हम 5 साल का इसका बीमा देंगे, जबकि इन्होंने बीमा भी पूरा नहीं दिया। लोकल चीज़ का बीमा कहाँ से देंगे? इन लोगों के पास रेड लिस्ट नहीं है, हमने रेड लिस्ट मांगी, कुछ भी नहीं है, तो बताइए हम किस आधार पर इनसे बात करें।